इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करेंगे मेडल वीरों के ग्रैंड वेलकम की। पूरे देश को है ओलंपिक चैंपियंस का इंतजार, शान से होगा वर्ल्ड चैंपियंस का वेलकम। ओलंपिक में नया इतिहास रचने के बाद भारतीय विजेता स्वदेश लौट रहे हैं। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास लिखने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, कुश्ती के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया और हॉकी के स्वर्णिम युग को वापस लाने वाले पुरुष और महिला हॉकी टीमें भी आज स्वदेश लौट रही हैं। पूरे देश को एयर इंडिया की फ्लाइट A1 A 307 का दिल्ली में उतरने का इंतजार है। और ओलंपिक में भारतीय तिरंगे को नया मुकाम दिलाने वाले हमारे खिलाड़ी आज शाम करीब 5:15 बजे देश की जमीन पर पांव रखेंगे। वो लम्हा खेलों के इतिहास में एक नए अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। अब हर किसी को शाम 5:15 बजने का इंतजार है। एयरपोर्ट से निकलकर सभी ओलंपिक विजेता अशोका होटल जाएंगे, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम होगा। हालांकि ये वेलकम पहले नेशनल स्टेडियम में होना था, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए अब अशोका होटल में ये वेलकम और सेरेमनी की जाएगी। ओलंपिक विजेता दिल्ली एयरपोर्ट के VVIP गेट से बाहर निकलेंगे। एयरपोर्ट के जिस रास्ते से ओलंपिक चैंपियन बाहर निकलेंगे, वहीं से हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए ये रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारत का परचम फहराने के बाद भारतीय खिलाड़ी अब दिल्ली लौट रहे हैं। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सभी खिलाड़ी लैंड करेंगे। ये VVIP गेट देख रहे हैं, इसी गेट से सभी खिलाड़ी बाहर निकलेंगे। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की 307 नंबर फ्लाइट है, जिसके जरिए भारतीय खिलाड़ी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो जानकारी मिली है कि शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में फ्लाइट IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करेगी। और मेरे पीछे आप VVIP गेट देख रहे हैं, इसी गेट से सभी खिलाड़ी बाहर निकलेंगे। हालांकि इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है, क्योंकि इस बात की भी उम्मीद है कि बहुत सारे सपोर्टर्स भी यहां पर इकट्ठे होंगे। हालांकि सिक्योरिटी को भी इस पूरे इलाके की कड़ा किया गया है। आप देखेंगे जो बसेज हैं प्लेयर्स की, वो इसी जगह पर खड़ी होंगी। जब VVIP गेट से सभी प्लेयर्स बाहर निकलेंगे तो यहीं पर उनकी बसेज होगी, यहां पर वो अपनी बस पर सवार होंगे। और आगे जो खिलाड़ियों के सम्मान के लिए समारोह रखा गया है, उस समारोह में सभी खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस इलाके में इकट्ठे ना हो, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, लेकिन लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो, जिसको देखते हुए तमाम इंतजाम एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस बात पर भी नज़र रहेगी कि जब ओलंपियन इस गेट से बाहर निकलेंगे तो मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ बातें करेंगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सिक्योरिटी को भी कड़ा किया गया है। आप देखेंगे एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है, साथ ही जो पूरा सिक्योरिटी स्टाफ है वो लगातार इस पूरे इलाके की जो है वो चेकिंग कर रहा है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो समय बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, एयर इंडिया की 307 नंबर फ्लाइट, उसी से भी सभी खिलाड़ी दिल्ली लौट रहे हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए तमाम इंतजाम IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर किए जा रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन एयरपोर्ट से सीधे अशोका होटल जाएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से अशोका होटल तक चप्पे चप्पे पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आपको अब अशोका होटल से संवाददाता सैयद नसीर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में झंडा बुलंद करने वाले खिलाड़ियों को अब अशोका होटल में सम्मानित किया जाएगा। ये खिलाड़ी 5:15 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां ढोल नगाड़े के साथ जबरदस्त स्वागत की तैयारी है। वहां पर स्वागत किया जाएगा और सीधे इन खिलाड़ियों को लेकर अशोका होटल लाया जाएगा। यहाँ पर भी फिलहाल मीटिंग का सिलसिला जारी है। आखिरी क्षणों में वेन्यू में बदलाव किया गया है। पहले मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन चूंकि दिल्ली का मौसम खराब है, बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए वेन्यू शिफ्ट करके अशोका होटल लाया गया है। आपको बता दें, ये तमाम खिलाड़ी जब पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ होगी, लेकिन
सिर्फ वीआईपी मेहमानों को ही अशोका होटल की एंट्री दी गई है। यहाँ पर खेल मंत्री खुद मौजूद रहेंगे, इसके अलावा तमाम ओलंपियन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इसके अलावा जो पदक विजेता है वो सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, जहाँ खेल मंत्री उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वेन्यू बदल चुका है अशोका होटल के अंदर, फिलहाल सम्मान समारोह की तैयारी पूरे जोर शोर से की जा रही है, सजावट की जा रही है और जितने खिलाड़ी यहां पर आएंगे उनको यहां पर सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें इस बार भारतीय दल का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है, कुल 7 मेडल इस बार भारतीय दल ने वहां पर जीते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपना दबदबा दिखाया है। और जब ये खिलाड़ी यहां पहुंचेंगे लोगों का जोश देखने लायक होगा, लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपने चहेते खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का स्वागत करने के लिए पूरा देश बेकरार है। पानीपत में उनके गांव वाले कुछ ज्यादा ही उतावले हैं। नीरज के माता पिता भी बेटे को गले लगाना चाहते हैं, उस पर प्यार लुटाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। खाना तो उस समय कुछ पसंद था उसके, ये भारत का खाना, घर का भी दूध, घी, दही, हलवा, चूरमा, खीर, लेकिन उसके ज्यादा पसंद चूरमा ही था। फिर मीठा जिस तरह प्रैक्टिस गेम थे उसके, गेम के देखकर लागे पीछे वो अपना मीठा छोड़ दे, तो ई आएगा ई उसकी क्या ही चीज़ की रोक थोक नहीं है, सब खुश खाएगा मन जी। खुशी बहुत है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत खुशी है, अपार खुशी है और हमें उस बच्चे पर गर्व है कि वो देश के काम आ पाया। पूरी आर्मी फेडरेशन और अपना पूरा प्रशासन और मेरा पूरा गाँव, सभी लोग उसके आने की खुशी में उतावले हैं कि वो कब आएगा। ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम बुलंद करने वाले हमारे चैंपियन बस अब से कुछ ही घंटे के बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के अशोका होटल में चैंपियंस की शानदार स्वागत की तैयारी है। इस बीच हमारी संसद ने भी हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला तो राज्यसभा में चेयरमैन वेंकैया नायडू ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत सभी विजेताओं को बधाई दी। ये ओलंपिक कई मायनों में बेहद खास रहा। ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता तो 41 साल के बाद पुरुष हॉकी टीम मेडल जीतने में कामयाब रही। महिला हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। बॉक्सर मैरीकॉम भले ही मेडल ना जीत पाई हो लेकिन राज्यसभा सांसद के तौर पर ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया और ऐसा करने वाली वो पहली ओलंपियन बन गई। सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 265 किलोवर की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, 32वें ओलंपिक खेल कल 8 अगस्त को टोक्यो में संपन्न हुए। भारत को टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। आज तक के ओलंपिक इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं सदन की ओर से भारतीय दल के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय दल ने टोक्यो ओलंपिक में जिस अदम्य साहस, अद्भुत लगन, उत्साह और अतुलनीय संकल्प शक्ति का परिचय दिया वह हमारे लिए गर्व का विषय है। तो महानायकों का अभिनंदन करने के लिए पूरा देश
बेसब्र हो रहा है, बहुत ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं है। 3:30 बजे का वक्त हो रहा है और 5:15 बजे तक हमारे पदकवीर हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे और फिर अशोका होटल में उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, एक सेरेमनी होगी। पुरुष हॉकी टीम की बात करें, गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरज चोपड़ा की बात करें, गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौनिका, क्या तैयारियां की गई हैं इन पदकवीरों का वेलकम करने के लिए? जी बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ की एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी गेट के बाहर की तस्वीर है और पूरी तरीके से इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी कॉमन विजिटर की फिलहाल एंट्री नहीं है, सिर्फ मीडिया पर्सन और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर है और बैरिकेड लगाकर बाकायदा इस वीआईपी गेट को भी बंद रखा गया है। जैसे ही यहाँ पर तमाम खिलाड़ी पहुंचेंगे उसके बाद इसी गेट से उनकी एग्जिट होगी और इसी गेट के बाद यहाँ से जो भी गाड़ियां बसेस उनके लिए अवेलेबल होंगी उन्हीं में उन्हें बिठाकर अशोका होटल की तरफ भेजा जाएगा। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस सीएसएफ तैनात की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ से बाहर तैनात हैं, बैरिकेड्स बकायदा लगाए गए हैं और पूरे तरीके से सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। सिर्फ मीडिया पर्सन को आई कार्ड देकर एंट्री दिया जा रहा है, बाकी और किसी को भी यहाँ अलाउ नहीं किया जा रहा है। देखिए गौनिका, हर आम व्यक्ति भी वहां पर पहुंचना चाहता है लेकिन कोरोना का टाइम है, वहां पहुंचना जरूरी नहीं है और पत्रकार तो खैर वहां पर पहुंचे हैं। गौनिका, अपनी बात पूरी करें। देखिए बिल्कुल, परिवारों का जहाँ इंतजार था कि फैमिली शायद यहाँ पर पहुंच पाए तमाम खिलाड़ियों की, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। शायद कोरोना प्रोटोकॉल के चलते किसी को यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ ये जो जानकारी मिली है कि कुछ मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि हरियाणा के मंत्री हैं, वो शायद अब वीआईपी गेट के अंदर कुछ देर पहले गए हैं। कुछ यहाँ पर गाड़ियां भी लगी हैं और वो मंत्री अंदर गए हैं। अभी फिलहाल बाकी परिवार की तरफ से या फिर कोई अगर कहीं ढोल नगाड़े जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद यहाँ पर हो, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते अभी यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया गया है, ना ही ऐसी कोई तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन जाहिर तौर पर लोग जिस तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खिलाड़ी यहां पर पहुंचेंगे, उनका भव्य तरीके से वेलकम होगा और यहां से सीधा। बिल्कुल गौनिका, हमें भी इंतजार है, जल्द से जल्द हमारे पदकवीर हमारे ओलंपिक्स के महारथी भारत पहुंचे, स्वदेश लौटे और हम भी उनका ग्रैंड वेलकम करते हुए इस देश को देखेंगे। शुक्रिया गौनिका, आप नसल बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट और तस्वीरों के लिए जुड़ते रहेंगे। और मेडल वीरों के बाद बात होगी देश के वीर सैनिकों की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।